लघुचाप वर्षा रे जलेश्वर बेहाल हो पड़ी। जलेश्वर ब्लॉक रो नामपो पंचायत रो देउलबाड़ ज्योति जंगम एवं तिलापटा गांव संपूर्ण भाव में जलमग्न हो जाई। एकाधिक घरे पानी पशि जीवन लोके हैरान होती। विशेषकर देउलबाड़ रो आदिवासी साही, तिलापटार आदिवासी साही एवं ज्योति जंगम रो हरिजन साही विशेष भाव में प्रभावित होती। ए अंचल रे घरे एवं गुहाल घरे पानी पशि जाई। आम मत एक्सक्लूसिव विजुअल देखाऊ कौली स्थिति अच्छी आपड़ देखिए अनुमान कर पार्थे घर आगे केमी अंटाए उच्चर पानी जमी रही। चाषी चिंतार अच्छा कहीं धान रुआ बर्तमान चली थी धान बिलरे पांच फुट उच्चर वर्षा पा लहड़ी मारुची। आरुआ अलालपुर बाणीदा समेत नामप पंचायत हेक्टर हेक्टर चाष जमी पानी रे बुड़ी जाई। लोकों घर पानी पशि जाई। लोक मैंने जेहेतु पानी खसुनी लोके एक प्रकार जलबंदी अवस्था अच्छा रोषे बंद हो जाए। लोके अखिया अपिया पड़ रही। खूब शीघ्र यार प्रतिकार पाई दाबी करी ग्रामवासी एवं पदक्षेप ने सहायता दाबी करी। कहीं गाँव कौली स्थिति आपत देखिपुंट रास्तार पा घरे पा बिल बाड़ी पा चाषी गोटे पटे चिंतार कहीं हेक्टर हेक्टर धान फसल पनीपरिया फसल सब बुड़ी जाए। लोकों घरे चार पांच फुट्र पा जमी रही। जेहेतु रोषे घरे आप देखते पा पशि जाइए बर्तमान स्थिति कौन आम प्रशंजित आम प्रतिनिधि अच्छा प्रशंजित बर्तमान स्थिति कौन रही है निश्चित चिंताजनक जो बालेश्वर जिला जलेश्वर जो भाव गत तीन दिन रु चार दिन हम जो लगातार वर्षा होता है वर्षा फल जो स्थानीय अंचल नामपो पंचायत देउलबाड़ जति जंगम एवं तिलोपटा ग्राम रही संपूर्ण भाव जलमग्न होती। एक प्रकार कृत्रिम बन्या स्थानीय अंचल सृष्टि विशेष करके देउलबाड़ जो आदिवासी साई रही तिलोपटा आदिवासी साई रही सेसबू अंचल लोक मैंने वर्तमान समय कृत्रिम बनिया फल प्रभावित होती। सहित आम कहीपर जो स्थानीय अंचल अनेक घरे पा पशि जहां नहीं जनजीवन एक प्रकार अस्तव्यस्त हो पड़ी। एने की आम कहीपर वर्तमान समय गत का वर्षा बंद होेहेतु आप जानते बर्षा अंचल किसी तलिया अंचल जो पा पशिला धीरे धीरे कमी जाता कि बर्तमान जलेश्वर जो नामप और निकटवर्ती जो गाँव गुड़िक रही से सब अंचल पा पशि ता सहित आप जानते जो भाव मुझे कहूली पूर्व काठ जमीर चार फुट रा पशिया फल लोक मैंने नहीं कि प्रभावित होती जहां नहीं कि से बर्तमान समय प्रशासन निकट में अनुरोध कर स्थानीय तहसीलदार हूँ विडीओ हूँ स्थानीय अंचल को परिदर्शन कर स्थिति वर्तमान भी चिंताजनक रही। एक्सक्लूसिव विजुअल दर्शक मान को देखा कौ भाव स्थिति अच्छी चाष जमी बुड़ी जाइए अनेपटे लोक घरे पा पशि जाइए तो पाखापाखि केते लोक पा घेर अच्छा अनेपटे प्रशासन पक्षर किसी पदक्षेप निगला कि कहीं जेहेतु लोक चूली चलनी पा पशि जाइए से शुखिला खाद्यर व्यवस्था किसी कर प्रशंजित आप शुणी पार प्रशंजित सहित आम जोजोग करने को चेस्टा किंतु एक्सक्लूसिव दृश्य देखाऊ कौली स्थिति आप देखु गाँ संपूर्ण भाव में जलमग्न हो जाए। घर पाखे अंटाए उचर पा लोके कौन करेंगे जहाँ को लेकिन चिंता बढ़ी जाइए। जेहेतु लगातार लघुचाप प्रभाव में तीन दिन धरिकी वर्षा है वर्षा होगापर यह स्थिति विशेष करके ये अंचल हूँ तलिया अंचल और लघुचाप वर्षा पूरा स्थिति बेहाल हो पड़ी। जलेश्वर अंचल बेहाल हो पड़ी। नामप पंचायत देउलबाड़ ज्योति जंगम गाँव में पा पशि जाइए। तिलापटा गाँ संपूर्ण जलमग्न हो जाए। लोक घरे चुली चली लोक भोक उपास रही अखिया अपिया पड़ रही। अनेपटे चाष जमी में जेहेतु धान रुआ समय अनेक पनीपरिया चाष करते चाषी सबुठ देखिए कि पांच फुट्र पा प्रवाहित हो तो बर्तमान चाषी मुंड चड़क पड़ जाए मुंडे हाथ दे बस आग को कौन करेंगे पा जेहेतु खसुनी आहरी लोकों चिंता बढ़ी जाइए। आपत देखु भिजुआल कौली भाव में जुआड़े देखिए पा आई लोक घरे पा पशि जाइए चूली में पा पशि जाइए लोके रोषे कर भोक उपास वृद्ध वृद्धा आरंभ कर छोट पिला समस्ते रही तुरंत सहायता जोगाई देवा दावी होती मु तो ना कहूनी जहा जुई ढोकुची देख तो घर भीतर जड़ा पसीची केमती कोन खादिया करूचंती
କେମିତି ଖିଆ ଦିଆ କରବା? ରନ୍ଧା ନହେଲେ ଖିଆ ଦିଆ କରବା କେମିତି? ସରକାରକୁ କିସ କହିବା? ସରକାର ଦେଖା ତ ନାହିଁ, ସରକାରକୁ କିସ କହିବା? ଏ ନେତା ମାନେ କାହାକୁ କହୁଛ? ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେଉଁଭଳି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନଜିତ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରସନ୍ନଜିତ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେହି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲାଣି କି? ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ କେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ବନ୍ୟା। ତିନି ଦିନର ବର୍ଷାରେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି, ତିନି ଚାରି ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ, ପାଣି ଚାଷ ଜମିରେ, ପାଣି ଖସୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିନି, କୌଣସି ଦେଖିବା କି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତିନି ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ।